न्यूज चैनल के संपादक ने ट्विटर पर पूछा, गांधी जी को जन्नत मिलेगी या जहन्नुम? मुस्लिम आरजे ने दिया मुंह तोड़ जवाब। गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 के पहले चरण में 1 दिसंबर 19 जिलों की 89 सीटों पर मतदान हुआ। मतदान के दौरान ही आरजे साइमा ने ट्वीट किया, जिस पर सुदर्शन टीवी के संपादक सुरेश चौहान के ने महात्मा गांधी को लेकर एक सवाल किया, जिसका मुंह तोड़ जवाब आरजे साइमा ने दिया। इन दोनों के बीच ट्विटर पर हुई नोक झोंक पर सोशल मीडिया यूजर्स ने कई तरह के कमेंट किए हैं। आरजे साइमा ने गुजरात चुनाव के पहले चरण के मतदान के दौरान लिखा, गुजरात गांधी के भारत के लिए वोट करें। इसी ट्वीट पर सुदर्शन टीवी के संपादक सुरेश चौहान के ने सवाल किया कि इस्लाम के अनुसार गांधी जी को जन्नत मिलेगी या जहन्नुम, जिसका करारा जवाब देते हुए आरजे साइमा ने लिखा कि इस्लाम के अनुसार हर अच्छे इंसान को जन्नत मिलेगी, वो जन्नत में ही होंगे, हमें अपनी फिक्र करनी चाहिए। आरजे साइमा के इस जवाब के बाद सोशल मीडिया यूजर्स भी सुरेश चौहान के जमकर लताड़ लगाते दिखाई दिए। पीस पार्टी के प्रवक्ता शादाब चौहान ने लिखा कि तुम्हारे कर्मों से प्रतीत होता है कि जहन्नुम मिलेगी, क्योंकि मानवता और न्याय के दुश्मनों के लिए वही है। साकिब नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, लोग कहते हैं कि आपकी दुकान सिर्फ और सिर्फ इस्लाम और मुसलमानों का नाम लेने से चलती है, सुरेश जी क्या ये सच है? मैं बस कंफर्म कर रहा हूँ। अनुभव गुप्ता नाम के ट्विटर हैंडल से सुरेश चौहान के लिए लिखा गया, तुम टेंशन मत लो, वे जन्नत में महफूज हैं, लेकिन तुम्हें जरूर गटर ही मिलेगा। तो फैजुल हसन नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, जाओ देख आओ गांधी जी कहाँ हैं, आकर बताना जरूर, हम सभी लोग इंतजार करेंगे। एम के सैयद नाम के ट्विटर यूजर ने सुरेश चौहान के को जवाब देते हुए लिखा, आप कब से इस्लाम के अनुसार चलने लगे, देश में आप लोग नफरत बांटने चलो और प्यार बांटने वाले भी हिंदुस्तान में कम नहीं, जय हिंद जय भारत। आपको बता दें, सुरेश चौहान के सोशल मीडिया पर अपने ट्वीट और बयानों को लेकर ट्रोल भी होते रहते हैं, तो वहीं आरजे साइमा भी सामाजिक मुद्दों पर अपनी राय रखती नजर आती हैं। सुरेश चौहान के तंज पर आरजे साइमा के इस जवाब को आप कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहें।